खबर मऊगंज से है। महिला किसी पर निर्भर नहीं है, वो हर मामले में आत्मनिर्भर और स्वतंत्र है और पुरुषों के बराबर हर मोर्चे पर सब कुछ करने में सक्षम भी है। ये बात समाज को हर हाल में स्वीकार करना होगा कि घर और समाज की बेहतरी के लिए पुरुष और महिला दोनों समान रूप से योगदान देते हैं। जीवन को देने वाली महिला है। महिला विशेष होती है, चाहे वो घर में हो या फिर ऑफिस में, वो अपने कार्य को बखूबी अंजाम देती है और उसी का एक जीता जागता उदाहरण है पुलिस विभाग में निरीक्षक के पद पर पदस्थ महिला थाना प्रभारी के हाथ में है मऊगंज थाने की कमान। दरअसल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया और इस दिन का काफी महत्व है। मऊगंज क्षेत्र में कई ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने अपने जीवन में संघर्ष करते हुए आगे बढ़कर मुकाम हासिल किया, जो कि महिलाओं के लिए प्रेरणादायक है। हम बात कर रहे हैं मऊगंज थाने की कमान संभाल रही महिला थाना प्रभारी निरीक्षक श्वेता मौर्य की, जिनका सफर काफी कांटों भरा रहा। इनके माता पिता का जो सपना था वो मुकाम हासिल करते हुए उसे पूरा किया। श्वेता मौर्य आज मऊगंज जैसे बड़े थाने की थाना प्रभारी हैं और अपने कर्तव्यों का निर्वहन बखूबी कर रही हैं। इस अवसर पर थाना प्रभारी मऊगंज महाविद्यालय की छात्राओं से मिली और मनोबल बढ़ाने का काम किया है। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। मेरा नाम श्वेता मौर्य है। इस समय मैं निरीक्षक के पद पर थाना प्रभारी मऊगंज में पदस्थ हूँ। जी, आपकी जन्म तिथि? मेरी जन्म तिथि 1/6/85 है। आप कहाँ से मिलान करती हैं? मैं तो वैसे प्रॉपर बनारस से बिलोंग करती हूँ जी, लेकिन मेरी पढ़ाई दीक्षा सब जबलपुर से हुई है। आप पुलिस विभाग ही क्यों चुना? नौकरी के लिए बहुत सारे शिक्षा विभाग थे, बहुत सारे थे, महिला होकर पुलिस जज्बा कहाँ से आया कि पुलिस विभाग की नौकरी किया जाए? वैसे तो जब पढ़ाई लिखाई स्टार्ट करता है सब कोई तो फिर ऐसा कुछ पर्टिकुलर सोचते नहीं है कि क्या किस फील्ड में जाना है, लेकिन जैसे जैसे पढ़ाई करते जाते हैं तो प्रेरणा मिलती जाती है कि किस फील्ड में हमको जाना चाहिए, किस में नहीं जाना चाहिए। तो स्कूल कॉलेज के डेज में मैं NCC ज्वाइन की थी। मेरा NCC स्कूल में भी था और कॉलेज में भी था, तो एक यूनिफॉर्म को देख कर जो प्राउड फील होता था उसको देख के ऐसा मतलब बचपन से ही लगा था कि हाँ मुझे भी पुलिस की नौकरी करनी है या यूनिफॉर्म फोर्स की कोई भी नौकरी करनी है। तो उसी राह में बढ़ते गए तो फिर एग्ज़ाम देने पर सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुई। उसके बाद में 12 साल बाद हमारा प्रमोशन हुआ तो आज मैं निरीक्षक के पद पे हूँ। बच्चों की परवरिश और विभाग का काम एक साथ दोनों कैसे हो पा रहा है? कोई चुनौती सामने आई कि नहीं? जी, चुनौतियाँ तो महिलाओं के लिए हमेशा आती हैं, चाहे घरेलू कार्य को लेके हो या अपने कार्य क्षेत्र में हो, है ना। तो महिलाएं दोनों ही क्षेत्र में बैलेंस बना के काम करती हैं और अपना घर परिवार भी देखना है और अपनी जिम्मेदारियों को भी निभाना है। अच्छा, आप कितने भाई कितनी बहन हैं? हम लोग 4 बहनें हैं। भाई नहीं है? जी, मेरा कोई भाई नहीं। बहन किस पोस्ट में है? मेरी बड़ी दीदी टीचर है, माध्यमिक स्कूल में है, और फिर मैं निरीक्षक हूँ और मेरी एक बहन हाउसवाइफ है और एक छोटी बहन सब इंस्पेक्टर है वो भी। महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं आप? महिलाओं को संदेश मैं ये देना चाहती हूँ कि आज के युग में महिलाओं के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। महिलाएं जो सोच ले और निश्चय कर ले कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ तो उनको निश्चित ही उस राह में सफलता मिलेगी।